नमस्ते मित्रों, मेरा नाम कुणाल चंद्राकर। आज हम आपको बताने आए हैं बैंडी सिरप। तो बैंडी सस्पेंशन क्या चीज़ है ये जानेंगे आज। इसका फॉर्मूला एल्बेंडा ओरल सस्पेंशन आईपी। तो देखो, बैंडी का यूज़ ये है कि बैंडी क्या करता है, मतलब एक साल में बच्चों को दो बार ये पिलाना चाहिए, छः छः महीना के अंतराल में। देखो, बच्चे लोग मीठा ज़्यादा खाते रहते हैं जिसके कारण पेट में क्रीमी हो जाता है, और बड़े लोगों के पेट में भी होता है। उसके लिए आपके लिए एल्बेंडाजोल टेबलेट आता है बड़े लोगों के लिए, छोटे लोगों के लिए बैंडी सस्पेंशन आता है। तो ये देना आवश्यक ज़रूरी है, क्योंकि देखो, अगर बच्चों के पेट में क्रीमी हो जाएगा तो उसका विकास रुक जाएगा। तो ये टोटल 10 ml का होता है, आप देख रहे हैं 10 ml का है। तो इसको अपन को कितना देना है ये बता रहा हूँ मात्रा। जैसे कि अगर कोई एक डेढ़ साल का बच्चा है तो उसको अपन को 200 mg देना है, mg नॉट ml। और यदि बच्चा 2 से 4 साल का है तब उसको 400 mg देना है। और यदि बच्चा मतलब 5-6 साल का है तो उसको 1 ml अपन को ये डोज देना है। तो ये है इसका, इस प्रकार इसको पिलाना रहता है। और ये रात्रि में पिलाना है, रात्रि में खाना खाने के बाद, ताकि सुबह बच्चा बाथरूम जाए तो पूरा उसका मतलब जो भी कीटाणु है वो निकल जाए, तो जो भी कीड़ा है वो निकल जाए। तो ये है, इसमें क्या क्या चीज़ें मिली है ये देखते हैं। तो इसमें कंपोजिशन है एल्बेंडाजोल 200 mg और फ्लेवरेड सिरप बेस डाला है। और इसको हम टेम्परेचर 30 सेंटीग्रेड के अंतर्गत रखना है, मतलब फ्रिज में नहीं रखना है, सिंपल ऐसी रखना है। मेन काइंड कंपनी का है, टॉप 10 कंपनी का है। और इसका MRP भी बहुत सस्ता है, MRP है 17.78 पैसा। और ये है मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड का है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा है। इसका 2 साल एक्सपायरी भी है, लंबा एक्सपायरी है, तो आप इसको रख भी सकते हैं यूज़ करने के बाद, ढक्कन अच्छे से बंद करके। तो ये एल्बेंडाजोल का रिव्यू था, जो आप समझ गए हैं इसके अनुसार आपको पिलाना है।